उषा शर्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज देख रहे हैं मैंने बनाया है मालपुआ और बहुत ही लाजवाब, जायकेदार, मार्केट से भी अच्छा। अगर एक बारी मालपुआ बना लिया तो बाजार की मिठाई खानी भूल जाएंगे, फिर तो हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन मालपुआ बनाएंगे। चलिए वीडियो में देखिए क्या माप लिया है, कितनी सामग्री ली है, उसी के हिसाब से हम ये मालपुआ बनाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, न्यू व्यूअर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं बना रही हूँ मालपुआ। मालपुआ को बनाने के लिए बहुत सारी ट्रिक होती हैं और बहुत से मेथड होते हैं। जो सामान हमारे घर में अवेलेबल होता है हम उसी से बनाते हैं। पहले भी मैंने काफ़ी पहले मालपुआ डाला था तो उसमें खाली मावा और मैदा से बनाया था। आज हम और भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, टेस्ट और फ्लेवर में भी बहुत फ़र्क आता है। तो जब जैसी सुविधा हो वैसे ही हम बना लेते हैं। खाली सूजी के भी बनते हैं, मावा ना हो तो मलाई डाल लेते हैं। बहुत से तरीके हैं, सभी तरीके जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं आपको सभी तरीके बताऊंगी। तो आज मैंने लिए एक कटोरी मैदा और उसी कटोरी से हम लेंगे चीनी। दो कटोरी चीनी, ज़्यादा चाशनी ना हो तो मैं यहाँ पर डेढ़ कटोरी लूँगी, क्योंकि अभी मेरे घर में कुछ ना कुछ बनता रहता है। तो मैंने ये डेढ़ कटोरी चीनी ले ली है और इसमें मैं एक कटोरी पानी डाल दूँगी और इसको हम गैस पर रख देंगे चाशनी के लिए। इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना। मैंने मावा है मेरे पास तो मैं मावा डाल रही हूँ, मावा नहीं तो मलाई भी डाल सकते हैं। मावा का तो अपना टेस्ट अलग होता है और फ्राई करने के लिए देसी घी, और मिठाइयों में देसी घी ज़्यादा नहीं लगता है, इस बात की चिंता ना क्या कीजिए कि घी ज़्यादा चाहिए, कभी घी ज़्यादा नहीं लगता मिठाई में। और थोड़ा सा हम डालेंगे पनीर, तो पनीर, मावा और मैदा इन तीनों चीज़ का हम घोल बना लेते हैं। जितनी क्वांटिटी में आप डालना चाहें उतना डालिए, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी टेस्ट के लिए। मैंने यहाँ इतना मावा लिया है और ये पनीर ले लिया है, इन दोनों को मैश करके हम इसमें डाल लेंगे या कद्दूकस कर लीजिए। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसकी बाइंडिंग कर लेंगे और जो भी लम्स हैं सारे हटा लेंगे। पहली बार में सारा एक साथ नहीं डालना, बस लम्स नहीं रहने चाहिए। बस हमारा बैटर रेडी है, अच्छे से मैंने फेंट लिया इसको और मैदा का कोई भी लम्स नहीं है, पनीर का तो कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, पनीर है वो, और लेकिन मैदा का कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। और इससे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। चाशनी मेरी रेडी है और ये शैलो फ्राई होते हैं, ये बहुत ज़्यादा घी में फ्राई नहीं होते हैं। अब हम इसको अपने जितने भी साइज़ का आपको बनाना है उस साइज़ के हिसाब से हम बैटर डालेंगे। छोटा बड़ा जितना बनाना है सब साइज़ के मिलते हैं मार्केट में। शादियों में भी सब साइज के मिलते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मेरे यहाँ तो सीखते सीखते खाना शुरू हो जाता है गरम गरम। और मीडियम फ्लेम पर सेकिएगा ताकि अच्छे से अंदर तक सिक जाए। और पतले ही बनते हैं, ये अपने आप ही फैल जाते हैं, थोड़े से सेट हो जाए उसके बाद ही इनको पलट करना है ताकि दोनों साइड से अच्छा सेक जाए। दो से तीन बार पलटने पर इनका कलर अच्छा सेक जाएगा। बस इनका कलर अच्छा आ गया है और सेक भी अच्छे गए हैं मीडियम फ्लेम पर। और अब हम इनको निकाल लेते हैं। ध्यान रहे जब भी चाशनी में डालें आप इनको बना करके रख लीजिए और जब खाने हो तो गरम चाशनी में इनको डाल दीजिए,
जरूरी नहीं कि सारे चाशनी में डाल करके रखें, अब इनको हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम इसी प्रोसेस से सारे मालपुआ बना लेंगे। मेरे मालपुए सिक गए और इसको मैंने गरम चाशनी में डाल दिया सारा, और जो बाकी है तो बाकी भी डिप कर दूंगी मैं, और भी रखे हैं। इस एक कटोरी जितना मैंने मटेरियल लिया है उसमें मेरे 20 मालपुए बन गए हैं, और देखिए साइज भी काफ़ी बड़ा है और बहुत ही लाजवाब। मेरे तो साथ साथ खाते भी जाते हैं, छोड़ते ही नहीं है इतने टाइम तक, तो वीडियो में कुछ और कम भी हो जाते हैं। और ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये मेरा मालपुआ कितने सॉफ्ट बने हैं, ये देखिए। बहुत ही अच्छे सॉफ्ट, और खाने की तो बात ही अलग है। अगर इस टाइम पे सब मौजूद हो तो मैं सबको खिलाऊं मालपुआ। तो बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली सर्कल में बना के, और फीडबैक जरूर कीजिए। न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करने के लिए, फुल वॉच देखने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए। और मेरी फैमिली 7000 हो गई है, धीरे धीरे आपका सपोर्ट चाहिए तो, और आगे भी आप सपोर्ट करते रहिए और मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाते रहिए।